हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क, जो 1.4 है। इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो रिस्क क्या होता है, बिजनेस में रिस्क की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें उसे एनालाइज करना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो रिस्क होता क्या है कि बिजनेस में पॉसिबिलिटी होना लॉस होने की, जिसकी हमें सभी को पता है कि फ्यूचर एक अनसर्टेन चीज़ होती है, कि हमें नहीं पता है कि कल या परसों क्या होने वाला है। कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कि अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कल या परसों क्या होने वाला है। जैसे मैंने इसमें लिखा भी हुआ है कि देयर इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर, नो वन कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, दैट्स वाई देयर इज़ रिस्क इन बिजनेस। क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, हो सकता है कि कुछ डिमांड चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, तो हमारे पास रिस्क है। हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है, हमारा सामान जल भी सकता है, तो हमारा रिस्क है। तो रिस्क का मतलब होता है बिजनेस में कि पॉसिबिलिटी होना लॉस की। और ये भी कहा जाता है कि अगर रिस्क है तो प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, दोनों ही चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस रिस्क कवर्स ऑल दोज पॉसिबिलिटीज विच में अफेक्ट बिजनेस इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो भी कुछ इवेंट्स होने वाले हैं उनका पर्टिकुलरली बिजनेस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर होता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ जिनका इम्पैक्ट जो है बिजनेसिस पे पॉजिटिवली और नेगेटिवली पड़ सकता है। पॉजिटिवली मीन्स प्रॉफिट, नेगेटिवली मीन्स लॉस। लॉस के चांस होने को ही हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। तो डेफिनेशन हुई इसकी, बिजनेस रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज इन फ्यूचर फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेज ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि नेचर क्या है रिस्क का। पहला पॉइंट है रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है कि यही होगा। फ्यूचर इज अनसर्टेन, कि ह्यूमन बिजनेस, फाइनेंस एंड मनी अदर रिसोर्सेज जो हैं, हमें नहीं पता कि कल क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। जैसे कोरोना वायरस भी अभी आया है, COVID-19 जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी बिजनेसेस पे इफेक्ट हुआ है, नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है। तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो फ्यूचर एक अनसर्टेन है, तो रिस्क को हम एक तरह से बोल देते हैं कि अनसर्टेनिटी का एक प्रोडक्ट है, रिजल्ट है। अगर हमें पता चल जाएगी कल क्या होने वाला है, तो हमारा कोई रिस्क ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि हमने एक सिक्का उछालना है और हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें हेड्स ही आना है, तो हमारा कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हेड्स ही आना है। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि भाई हेड्स आएगा टेल आएगा, तो हमारा रिस्क होता है, जो रिजल्ट है एक तरह से अनसर्टेनिटी का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अनअवॉइडेबल। जो रिस्क होता है बिजनेस में, अवॉइड उसे नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है उसे हम कम कर सकते हैं। मतलब कि अगर उसके बारे में हम प्लानिंग करके, जैसे कि फिलहाल अभी COVID-19 है, तो हमने जैसे लॉकडाउन किया है मोदी जी ने, तो वो एक तरह से रिस्क का इम्पैक्ट जो है वो कम करने के लिए डिसीजन लिया गया है। लेकिन उससे रिस्क ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मतलब कि रिस्क को बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं। रिस्क तो रहेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा वो कम किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विथ साइज ऑफ बिजनेस। अब जैसे अगर छोटा बिजनेस है तो रिस्क थोड़ा कम उसमें इन्वॉल्व होगा, अगर बड़ा बिजनेस होगा तो उसमें बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होगा। जैसे अगर मान लो कि कोई एक चाय की दुकान है तो उसमें उतना ही रिस्क है। अगर कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है तो उसका ये रिस्क बहुत बड़ा होता है। जितना ही कैपिटल लगेगी, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना कुछ आप उसमें अर्न करेंगे, उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। मतलब कि स्मॉलर रिस्क इन स्मॉलर कंपनीज, हायर रिस्क इन लार्जर कंपनीज। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा रिस्क। फिर नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया कि रिस्क के दो फॉर्म्स होते हैं, लॉसेज एंड प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। आप कोई भी पर्सन रिस्क सिर्फ तभी लेता है जब उसको चांस ऑफ प्रॉफिट होने अर्न करने का भी। प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है। तो जैसे कि आप कभी शर्त लगाते हो कि भाई चल, ये शर्त लगाते हैं, बारिश हुई तो मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा, नहीं हो तो मुझे 10 रुपये दियो, तो वो एक रिस्क है। उसमें प्रॉफिट के भी चांसेस हैं और लॉस के भी चांसेस हैं। तो प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। मतलब कि अगर हम रिस्क सिर्फ तभी ले रहे हैं जब हमारा प्रॉफिट हो सकता है, तो इट्स लाइक टेक इट और लीव इट, या तो छोड़ दो या फिर ले लो। तो मीन्स कि इसका मतलब क्या होता है टेक इट और लीव इट का, या तो आप उसी अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ले लो या फिर उसे छोड़ दो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। फिर लास्ट पॉइंट है इसका, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है, जैसे कि स्कूल का नेचर होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, कपड़ों का जो होता है कि फैशन के अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि फैशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत स्पीडली बदलता रहता है, कभी भी फिक्स नहीं रहता है। जैसे कि पुराने टाइम में कुछ और कपड़े थे, आज के टाइम में कुछ और हैं, हो सकता है कल ही बदल जाए। तो कोई भी फैशन की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्टॉक बना के नहीं रख सकता है अपने पास, क्योंकि उसका रिस्क है। और नेसेसरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे दाल है, दूध है, दही है, इसमें इतना कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, तो इसमें कोई भी स्टॉक रख सकता है। लेकिन कभी भी आप किसी शॉप पे जाओगे ना, तो एक पर्टिकुलर शर्ट्स के या टी शर्ट्स के आपको बहुत सारे
पीसीस नहीं दिखेंगे। तो उसका सिंपल सा ये लॉजिक यही है कि वो नेचर ऑफ बिजनेस है उनका, वो स्टॉक उसमें नहीं रख सकते हैं, जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई वो करते हैं। तो ये था इसका नेचर ऑफ रिस्क कि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना रिस्क बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट अर्न करने की वजह से ही हम सिर्फ रिस्क लेते हैं, नहीं तो हमारा कोई रिस्क लेने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। नेचर ऑफ रिस्क पे भी, नेचर ऑफ बिजनेस पे भी रिस्क डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा नेचर है। अगर हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि जिसमें फैशन बहुत जल्दी बदलता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना बिजनेस को वेरी करना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है इसका कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क होने के कारण ही क्या हैं, क्यों हम बिजनेस रिस्क लेते हैं, मतलब कि हमारा बिजनेस रिस्क किस वजह से होता है। तो पहला पॉइंट है इसमें, तीन पॉइंट्स है इसमें। पहला पॉइंट है इसमें नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक जो भी कुछ होता है दुनिया में, मतलब कि जैसे बारिश आना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, या फिर बर्फ़ गिरना, या कुछ भी अर्थक्वेक्स आना, कुछ भी जो भी कुछ नेचुरल है जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है बेसिकली। तो मीन्स ड्यू टू नेचुरल चेंजेस नॉट कंट्रोलेबल बाय ह्यूमंस बट कैन बी टेकन केयर ऑफ, बल्कि बहुत सारे कॉजेज, बहुत सारे चेंजेस जो नेचुरली होते हैं दुनिया में लेकिन उसका किसी इंसान का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कोई भूकंप आ गया, या बारिश आ गई, बर्फ़ गिर गई, या आग लग गई, जैसे कि अभी लास्ट में भी ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में आग लगी थी, तो वो नेचुरल कॉजेज हैं, ये जो नेचुरली चीज़ें होती हैं। उसमें पहला है सीजनल। सीजनल का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मली मौसम के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे गर्मी सूखा पड़ जाना, बारिश के टाइम में बाढ़ आ जाना, या विंटर्स में स्नोफॉल हो जाना, तो एक तरह से सीजनल है। ड्रोट्स मीन्स सूखा, स्नोफॉल मीन्स बर्फ़ गिरना, फ्लड्स मीन्स बाढ़ आ जाना, और फायर मीन्स कहीं स्प्रिंग सीजन में कहीं आग लग जाती है जंगल वगैरह में, तो वो सीजनल है कि सीज़न में ही ये इससे बचना होता है। मतलब कोई भी गर्मियों के टाइम पे स्नोफॉल से बचने के लिए कुछ नहीं करता है, उन्हें ये पता है कि ये चीज़ का सीज़न है तो इससे हमें बचना है। अब जियोलॉजिकल क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, लॉजिकल जियोलॉजिकल मीन्स अर्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे सभी को पता है कि अर्थ को कैसे आते हैं, जो अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके टकराने से ही कुछ ना कुछ धरती में कंपन होता है जिससे कि भूकंप आता है, तो जिसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टी का, लोगों का नुकसान होता है। तो ये भी तरह से नेचुरल कॉजेस का, इसके ऊपर भी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता है। फिर लास्ट है इसका अदर नेचुरल कलेमिटीज, जैसे लाइटनिंग है, बिजली का कड़कना, चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, जैसे कि फिलहाल अभी कोरोना वायरस चल रहा है, चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, एकदम से मौसम बदल जाना, हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो बदल जाना धुएं की वजह से, तो वो सारी ये है नेचुरल कॉजेज जो नेचुरली होते हैं, जिनका इंसान का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बारिश आना, मौसम बिगड़ जाना, ऐसा कुछ जो है, ये सारे नेचुरल कॉजेज हैं। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन कॉजेज। अभी हमने डिस्कस किया जो नेचुरल था जिसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं था, ये वो हैं जो सिर्फ इंसानों की वजह से ही रिस्क बनता है, मतलब रिस्क बोर्न आउट ऑफ डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, इंपेशेंस और लैक ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि इंसान जो है परफेक्ट तो नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है इंसान, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कि जो डिसऑनेस्ट होते हैं, मतलब बेईमानी से काम करते हैं, केयरलेसनेस, लापरवाही से काम करते हैं, या फिर उनके पास इंटेलिजेंस की कमी होती है, डिसीजन ही गलत लेते हैं। तो पहला पॉइंट है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, जो उनके अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो चोरी करते हैं चीज़ों की, या कुछ गलत बिल बना के अपना कुछ अपना फ़ायदा सोचते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है उसमें। तो ये है ह्यूमन कॉजेज, ये इंसानों से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो पहला है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चोरी करते हैं। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, जो जानबूझ के पेमेंट करने से मना कर देते हैं कि पहले सामान उधार खरीद लिया और बाद में बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये भी इसका डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझ के मना कर देना पेमेंट करने से, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस होता है। फिर नेक्स्ट है स्ट्राइक एंड लुकआउट, जैसे कि अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो आपको क्लियर भी हो जाएगा इससे। स्ट्राइक का मतलब होता है कि जो लेबर अपनी डिमांड को पूरी करवाने के लिए हड़ताल पे जाती है वो होता है स्ट्राइक, और लुकआउट का मतलब होता है जब एम्प्लॉयर जो ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहा है वो अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर रहा है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जिससे कि प्रोडक्शन रुक जाती है कुछ टाइम के लिए। इसमें ध्यान रखना कि ये दोनों चीज़ें टेम्परेरीली होती हैं, एक चीज़ और होती है वो वैसे तो नेक्स्ट ईयर आएगी आपकी, क्लोज़र होती है वो, क्लोज़र मीन्स परमानेंटली बंद कर देना। लेकिन फिलहाल ये है स्ट्राइक में भी और लुकआउट में भी प्रोडक्शन रुक रही है, लेकिन स्ट्राइक करते हैं लेबर और लुकआउट करते हैं एम्प्लॉयर जो लेबर को हायर करती है। फिर नेक्स्ट है वर्किंग केयरलेसली, मतलब कि बिल्कुल ही लापरवाही से काम करना, जैसे कि कहीं पर फैक्ट्री में आग लग जाती है, कई बार हो सकता है कि किसी का हाथ कट जाता है, तो वो है ह्यूमन कॉजेज।
ह्यूमंस की गलती की वजह से जो भी रिस्क बन जाता है, डिसऑनेस्टी की वजह से, केयरलेसनेस, इम्पेशेंस या लैक ऑफ इंटेलिजेंस। लैक ऑफ इंटेलिजेंस का मीन्स है कि कोई गलत डिसीजन ले जाना जिससे कि हमारा लॉस हो सकता है। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिकल चेंजेस। अब इकोनॉमिक क्या होता है कि जो पैसे से रिलेटेड जो हमारे रिस्क बनते हैं, जो ना तो ह्यूमंस हैं ना ही नेचुरल हैं। इकोनॉमिकली का मतलब होता है जो इकोनॉमी में चेंज आ रहा है उसकी वजह से क्या रिस्क है हमारा। तो पहला पॉइंट है चेंज इन फैशन। जैसे मैंने कि आपको बताया ही है कि फैशन बदलता रहता है, कभी भी सेम नहीं रहता है। आज हो सकता है कि आपको कोई जीन्स पसंद है, कल हो सकता है कि उसकी दूसरी कोई वेरिएंट आ जाए और वो फैशन में आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो फैशन चेंजेस क्विकली, प्राइस में फॉल विद इट। जैसे आज के टाइम में कोई आपकी कोई कपड़ों की शॉप है, शूज़ की शॉप है या कुछ भी चीज़ ऐसी है जो फिलहाल लोगों को पसंद भी है, हो सकता है कल उसकी डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो जाए और उसका प्राइस भी आपको बहुत कम करना पड़ जाए क्योंकि आपको स्टॉक क्लियर करना है आपका। तो चेंज इन फैशन बहुत एक बड़ा इकोनॉमिक रिस्क होता है, आपको उसको समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना रिस्क के समझे बिजनेस करते हैं तो ऑलरेडी आप फेल हो चुके हो। तो बिजनेस करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रिस्क को समझना, कि रिस्क है क्या हमारा। तो फैशन बहुत जल्दी बदलता है। फिर नेक्स्ट है चेंज इन प्राइसेस। प्राइसेस भी कुछ चीज़ों में बहुत सारे बहुत रोज ही रोज बदलते रहते हैं। जैसे कि कुछ सब्जियां हैं या कुछ पेट्रोल डीजल है, गोल्ड सिल्वर है, इनके प्राइसेस रोज बदलते रहते हैं। तो वो भी एक तरह से रिस्क है कि अगर हमारे पास गोल्ड है घर में तो हमारे पास एक रिस्क है कि आज हम खरीदें कल खरीदें, आज बेचें कल बेचें, या शेयर्स भी होते हैं। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीटर ने अपने जो एक प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए हमारी पेप्सी है, उनकी कोका कोला है, उन्होंने कोका कोला की बोतल का प्राइस कम कर दिया या फिर कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया मार्केट में, तो उससे भी हमको रिस्क होगा क्योंकि हमको भी उसकी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जब जियो जब लॉन्च हुआ था, 4G लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे इंटरनेट फ्री हो गया था और उसके कुछ टाइम के बाद 3 महीने का जो प्राइस था 4G इंटरनेट का वो 300 या 400 रुपये था। तो बाकी सभी कंपनीज को भी ऐसा करना पड़ा था, वो भी सभी के लिए रिस्क था। अगर वो ना करते तो वो सर्वाइव शायद नहीं कर पाते इंडियन मार्केट में। फिर नेक्स्ट है कंपटीटर प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू कंज्यूमर्स। वन डज समथिंग स्पेशल, अदर्स मस्ट फॉलो। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी कुछ नया कुछ स्पेशल करती है कस्टमर्स के लिए, कुछ नया कुछ फैसिलिटीज़ देती है, तो बाकी सभी को भी वो करना पड़ेगा। तो ये थे इकोनॉमिक चेंजेस। जो इकोनॉमी एनवायरनमेंट में सब कुछ हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि कोई कंपटीटर कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ जाती है, या हो सकता है कि कुछ GDP में इंक्रीज़ हो जाता है, सेविंग में कुछ चेंजेस आ जाते हैं लोगों की, या कुछ मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है कम हो जाती है, तो वो है सारा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक से मतलब होता है कि मनी से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में। फिर लास्ट है अदर कॉजेज। टेक्निकल कॉजेज क्या होते हैं कि जो अराइवल ऑफ न्यू मशीन्स इन मार्केट। अब मान लीजिए एक मार्केट में 20 कंपनीज हैं, कोई एक कंपनी नई टेक्नोलॉजी ले आती है सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई नई मशीन ले आती है या नई टेक्नोलॉजी, नया कंप्यूटर सिस्टम ले आती है, तो वो सभी के लिए एक रिस्क है। क्योंकि अगर कोई, जैसे आज के आपको सबको पता ही है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है और हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो हमें आगे रहने के लिए नई टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है मैनेजरियल कॉजेज। इनकम्पिटेंट मैनेजर और पुअर मैनेजमेंट मे लीड टू लॉसेज। जैसे मैंने बताया था कि ऊपर ह्यूमन कॉजेज में लैक ऑफ इंटेलिजेंस, वही चीज़ है इसमें कि गलत डिसीजन लिए जाना, इनकम्पिटेंट मैनेजर होना, उससे भी बिजनेस को लॉस हो सकता है क्योंकि हमारा एक गलत डिसीजन और पूरा बिजनेस फेल हो सकता है। फिर नेक्स्ट है मैकेनिकल। मैकेनिकल होता है मशीन से रिलेटेड। तो डिफेक्ट्स इन मशीन्स में कोज सेवर लॉस, मतलब कि मशीन्स में कोई डिफेक्ट होना, कुछ कमी होना, जैसे कि किसी का हाथ कट सकता है लेबर का, या किसी से हो सकता है कि आग भी लग सकती है, तो वो एक तरह से मैकेनिकल कोज है जो मशीन से रिलेटेड होता है। फिर लास्ट इसका नेचुरल कोज। डैमेज टू पेरिशेबल गुड्स एंड वियर टीयर ऑफ द मशीन, मतलब कि मशीन में कुछ खराबी होने की वजह से, या जो पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे मिठाइयाँ हैं, खाने पीने का सामान होता है, तो वो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। चीज़ें जो ड्यूरेबल नहीं होती हैं, फर्नीचर से ड्यूरेबल है तो पेरिशेबल में नहीं आएगा। पेरिशेबल वो गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक बिजनेस रिस्क की क्या होता है, नेचर ऑफ रिस्क, फिर है कॉजेज इसके नेचुरल कॉज जो नेचुरल कारणों की वजह से होता है, ह्यूमन कॉजेज ह्यूमंस की गलतियों की वजह से होता है, इकोनॉमिकल कॉजेज इकोनॉमिक कॉजेज कौन से होते हैं जो इकोनॉमिक में चेंजेस आने की वजह से, पैसे से रिलेटेड आने की वजह से जो होते हैं रिस्क होता है। अदर में तो टेक्निकल में न्यू मशीन्स आने की वजह से, मैकेनिकल में मशीन में खराबी आने की वजह से, मैनेजरियल में कुछ गलत डिसीजन लेने की वजह से, और नेचुरल में जैसे आपको पता ही है कि मौसम बदलने से या कुछ भूकंप वगैरह आ जाने से। तो ये है हमारा अच्छा टॉपिक बिजनेस रिस्क। थैंक यू।